दो कलर में भी डाल सकते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 30 फंदे लिए हैं। इसमें पहले हम पहले सिलाई में 5 फंदे उतारेंगे और 1 फंदा बिनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 फंदा बिना है और अब मैं ऊन को आधे करके 5 फंदे उतारूंगी। ऊन को पीछे कर दूंगी, ऊन को ढीला रखना है ताकि हमारा डिज़ाइन खींचे ना। आप जितना हाथ को ढीला करके बिनेंगे स्वेटर आपका उतना ही अच्छा आएगा और साफ आएगा। हमने फिर से 5 फंदे उतार लिए हैं, ऊन को पीछे करा और 1 फंदा हम फिर बिन लेंगे। इसी तरह हम पूरी टाइम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमने फिर 1 फंदा बिन लिया है, ऊन को आगे करा और 5 फंदे फिर सीधे उतार लिए हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से पड़ जाती है, आप इसे आराम से बना लेंगे। और ये मैंने फिर से फंदे उतार लिए। अब हम इसको बिल्कुल प्लेन उल्टा बिनेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है और इस तरह हम 3 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बिनेंगे। इसमें 3 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बिनेंगे, ये मैंने 3 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बिनी है। अब हम इस डिज़ाइन को बांधेंगे। सबसे पहले हम 2 फंदे या 3 फंदे बिनेंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन सेंटर में आना चाहिए। तो आप डिज़ाइन का सेंटर देकर उस डिज़ाइन के अंदर जो नीचे ऊन हमने छोड़ा था उसको उसमें डाल लीजिए और फिर उसको बिन दीजिए। ये कतली डिज़ाइन है, फिर हम 5 फंदे सीधे उतारेंगे और ऊन को पीछे कर देंगे। आप इसे 5 सिलाइयों की भी बना सकते हैं, इसमें कतली आपकी बड़ी बनेंगी। 3 सिलाइयाँ जब आप बिनेंगे तो इसमें कतली छोटी बनेंगी। 5 सिलाइयाँ आप बिन के अगर कतली डालेंगी तो वो बड़ी होंगी और इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये आप 3 सिलाइयों में डालेंगे तो वो छोटी बनेंगी और अच्छी लगेंगी बिल्कुल। अब हम फिर ऊन को आगे करते हैं और 5 फंदे सीधा उतार लेते हैं, ऊन को पीछे कर देंगे। इसको बिल्कुल ढीले हाथ से ही बनाएंगे क्योंकि अगर आप टाइट हाथ कर देंगे तो वो आपका डिज़ाइन पूरा सिकुड़ जाएगा। नीचे वाले ऊन को सेंटर में ला के उसे, ये क्योंकि 5 फंदे इसके सेंटर में रहते हैं तो आप 2 फंदे इधर छोड़ दीजिए, 2 फंदे इधर छोड़ दीजिए और सेंटर वाला फंदा बिन लीजिए। ये देखिए, ये हमारी फिर से मैंने 3 लाइनें सीधी उल्टी बिनी है और अब हम फिर से डिज़ाइन को बांधेंगे। मैं आपको ऊन की और बहुत सारी डिज़ाइन लाती रहूँगी, आपको पसंद आएंगे वो डिज़ाइन। हमने सीधे फंदे उतार दिए 5 और हम ऊन को पीछे करेंगे और बिन देंगे 1 फंदा। फिर हम ऊन को आगे करेंगे। ये बहुत ही इजी है बनाना, आप आराम से बना सकते हैं। पांच फंदे सीधे उतारे, नीचे वाला फंदा सेंटर में लिया और
एक हमने बिन दिए। बस इसी तरह से आपको आपका पूरा स्वेटर बिन लेना है। ये हमारी एक पतली तैयार हो गई। ये देखिए हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। बस आपको इसके सेंटर का ध्यान रखना है और ऊन पीछे किया और सीधा फंदा पार। इस तरह हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम फिर तीन ऊन की सीधी लाइनें में ये देखिए ये हमने बुन ली। अब हम इसको बांधेंगे। एक फंदा हमने बुन और दो बुन, ये लास्ट के फंदे हैं हमारे। सेंटर में हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ही सही आएगा। ये पांच फंदों की डिज़ाइन है। एक फंदा हमें नीचे पहली लाइन जो हम शुरू करेंगे इसमें हमें एक फंदा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, बाकी हमारा ऊपर की पूरी लाइन बिल्कुल सीधी ही चलेगी। अब फिर बांधेंगे वो हम जो हम पहली लाइन बनेंगे उसमें एक फंदा जो हम एक्स्ट्रा लेंगे वो हम इसको सेंटर में लाने के लिए लेंगे। आगे चल के हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, बस इसे इसी तरह बिनते जाना है और हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये जल्दी बन जाती है डिज़ाइन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो हमने सेंटर का ऊन लिया और सेंटर में ले लिया। इस तरह हम अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी दो पत्तियाँ तैयार हो गई। ये देखिए इस तरह हमारी पूरा स्वेटर हम, आप चाहे तो इसे आगे पीछे डाल लीजिए या फ्रंट में ही आप डाल लीजिए। ये देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरह से है। ये खूबसूरत डिज़ाइन है और सिंपल है, आपको बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत